राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर हमारे संगठन के पदाधिकारी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं संगठन के पूर्व पदाधिकारी मंडली पदाधिकारी से कि किस तरह का ये आह्वान है। देखिए, ये आह्वान तो है कि जितने भी प्रधानाचार्य के पदों पर जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, सरकार उसको निरस्त करे। एक ही मांग है कि इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वास्तव में ये सरकार की ढीला ढाली है कि उन्होंने ही जानबूझकर पदोन्नता नहीं करी। अगर समय पर हमारी पदोन्नता हो जाती तो इंटरमीडिएट का जो प्रवक्ता होता है वो 8 साल में इंटर का प्रिंसिपल बन जाता। वहीं LT का सामान्य वर्ग का जो शिक्षक है उसको 13 साल में इंटर का प्रिंसिपल बन जाना चाहिए था। इसी तरीके से कला और खेल के विषय के शिक्षकों को 17 साल में इंटर का प्रिंसिपल बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इन लोगों के प्रमोशन नहीं किए, यानी कि हम लोगों के प्रमोशन नहीं किए और इन पदों को खाली रखा है। इसकी परिणति ये है कि आज वो पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि अगर उन पर हमारा प्रमोशन हो जाता तो आज से सालों साल पहले हम उन पर नियुक्त हो गए होते और प्रधानाचार्य सहित हाईस्कूल का हेडमास्टर का भी एक भी पद खाली नहीं होता। लेकिन सरकार की अभी हठधर्मिता है, इसमें शायद कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं जो ये सीधी भर्ती अपनाई जा रही है। सारे के सारे शिक्षक इसके विरोध में हैं, जिसकी परिणति आप ये देख रहे हैं कि नैनीताल जिले के सारे शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम सबकी एक ही मांग है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षक संघ के आह्वान पर क्या शिक्षक, क्या माता है, क्या बहन है, यहाँ पर सभी के सभी उपस्थित हैं, लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दौलिया, यानी कि आप हल्द्वानी से यहाँ आज आए हैं, पहाड़ की वादियों में, यानी संगठन की मांग पर आए हैं। अच्छा, तो क्या है लब्बो लुबाब यहाँ पर मैम? चलिए, और हमें पदोन्नति। हमारे साथ हैं दूसरे हमारे साथी, आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से ये संगठन के आह्वान पर आप यहाँ पर आए हैं और क्या विचार लेकर। प्रमोशन से ही जो है प्रधानाचार्य का पद पहले भी प्रमोशन का पद था और इसकी नियमावली नहीं बदलनी चाहिए, प्रमोशन से ही 100% होना चाहिए। यह है और इस मांग को सरकार को सुनना चाहिए। क्या लोग सेल्फी लेना भी नहीं बोल रहे हैं? वक्ताओं के क्रम में मैं हमारे जनपद के उपाध्यक्ष जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी का सारा धन्यवाद है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोग सब लोग अपना जन सैलाब हमारी रिपोर्टें जा रही है, सरकार का भी गई है कि प्रत्येक जिलों में जन सैलाब बड़े पुरानी गति से जन सैलाब फैला गया है। LIC की रिपोर्ट वहां जा गई है कि पूरा हमारे 13 जनपदों से भयंकर जन सैलाब है। कभी